हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं दीपिका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो भी वीडियो है, आज की भी जो वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन की जो घंटी है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो को मिस कर सकते हैं। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करके रखा तो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको जाएगी, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है ना, वो बहुत बड़ी क्वेश्चन है हमारे लिए, हम लेडीज के लिए, और बॉयज के लिए तो बता नहीं सकते कि उनके माइंड में कितना क्वेश्चन होता है, क्योंकि बॉयज के मुझे ज्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं। बट जो गर्ल्स है, लेडीज है, उनके डीएम्स आते हैं मुझे एंड पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। हम लेडीज को ज्यादातर, गर्ल्स हो, लेडीज हो, टीन एज के हो, कम एज में ज्यादातर यही देखा गया है कि कम एज में रिंकल्स हो रहे हमारे स्किन पे। आखिर ये हो क्यों रहा है? नोटिस करने वाली बात है, हमारे स्किन पे रिंकल्स हो रहे हैं, वो भी कम एज में, आखिर क्यों? तो इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात करती हूँ कि जो हमारे स्किन पे रिंकल्स हो रहे हैं उसके रीजन क्या है। आपके स्किन पे रिंकल्स हो रहे हैं और आप अपने स्किन के लिए कर क्या रहे हो? तो कम एज में रिंकल्स होना ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके फिर भी हो रहे हैं, एक रीजन ये भी है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जो सनलाइट पड़ती है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब सनलाइट पड़ती है तो हमारी स्किन ना ऐसे इकट्ठी सी हो जाती है, क्योंकि हम सनलाइट देखते हैं और ऐसे अपनी स्किन को करते हैं, ऐसे करते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन होता है, बट हमारी स्किन जो क्या होती है वो इकट्ठी सी हो जाती है, और वो ही हमारे स्किन के झुर्रियां बनने का कारण होता है। कारण सिर्फ यही नहीं है, आगे वीडियो में देखें, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपके डाइट सही नहीं है, आप पानी ज्यादा नहीं पीते हो, एज कम है, लग ज्यादा रहा है, इसका कारण यही है कि आपकी डाइट सही नहीं है, ठीक है। अगर आपको रिंकल्स हो भी रहे हैं तो मैंने अभी तक बहुत सारे क्रीम्स बताए हैं कि आप अपने स्किन में किस तरह की स्किन में कौन सी क्रीम आपको यूज करना है, लेकिन आज मैं क्रीम नहीं बताऊंगी, जीरो खर्चा में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जो आप करोगे ना आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि सच में ऐसा हो सकता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो करना है, फेस को अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। फेस को आपने अच्छे से वॉश किया, उसके बाद आपने टॉवल ड्राई किया। टॉवल ड्राई करने के बाद, जरूरी नहीं है कि आप, ऑप्शनल बता रही हूं मैं, ये ऑप्शनल है, या तो आप सीरम लो, या तो आप एलोवेरा जेल लो, या फिर आप मॉइस्चराइजिंग लो, तीनों में से आपके पास जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। आपने स्किन पे अप्लाई किया, ठीक है, पूरे स्किन पे पहले आपने मर्जिंग कर ली। उसके बाद जो आपको करना है, टू स्टेप्स बताऊंगी आपको, ठीक है। आपको टू स्टेप्स करने हैं अपने स्किन पे, आप अपने फेस योगा भी इसे कह सकते हैं, रिंकल रिमूव्स आप स्टेप्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल है, ये मैं खुद भी करती हूँ और मेरा पार्लर भी है, तो मैं जब भी फेशियल्स करती हूँ तो मैं ये स्टेप्स करती हूँ। लेकिन अगर आप फेशियल्स नहीं ले रहे हो तो आप ऐसे डेली कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, फोरहेड है, ये फिंगर्स आपको ऐसे रखना है, ठीक है। आपने क्या किया, एक फिंगर को यहाँ रखा, ऐसे रखा, एक को यहाँ रखा, ठीक है, आपको ऐसे रखना है। अब जो ये वाला जो पॉइंट है ना, आपको इससे ऊपर की साइड लेके जाना है, ऐसे किया आपने, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आपको ऊपर लेके जाना है। ये क्या होगा, आपके जो फोरहेड है ना, फोरहेड में झुर्रियां पड़ने नहीं देगा, ओके। ये आपको डेली करना है। अब ये वाला पॉइंट को क्या करना है आपने, ठीक है, ये इसलिए मैंने बोला मैं टू बताऊंगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे बताऊंगी, एक ही बार ज्यादा बताऊंगी तो माइंड में रहता नहीं है। तो ये वाला जो फिंगर है, ये वाले जो है सेंटर वाला, रिंग फिंगर बोलते हैं इसे, तो यहां से ले जाके आपको ऐसे करके आपको ईयर पार्ट में स्टॉप करनी है, ठीक है। ये आपको दो बार यहां से लेके आपको ऐसे करने हैं, और ये आपको ऐसे करने, वन टू, आपको बस यही करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बैक करके फिर से देख लो,
टू फोर हेड में करना है और टू आपको चीक्स एरिया में करना है। आपको इस फिंगर को सेट करने नहीं आ रहा ऐसे करके, ठीक है, आपको ऐसे सेट करने नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करो, ये इजी स्टेप से, ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो और आप यहां से ले जाके ऐसे करके ऐसे कर सकते हो। रिंकल्स के लिए आप ऐसे स्टेप्स कर सकते हो जिससे कि काफी हद तक आपके स्किन में रिंकल्स पड़ेंगे नहीं और इजीली रिमूव होंगे अगर आप डेली फॉलो करते हो तो, और अगर आप बीच बीच में करते हो तो पॉसिबल नहीं है रिमूव होने का, ठीक है। अगर आप कोई क्रीम्स लेते हो तो कोई भी जादुई क्रीम अभी तक नहीं आई है कि जादू से आपके रिंकल्स हो या कुछ और भी प्रॉब्लम्स है वो जादू से ठीक हो जाएंगे, उसको भी तो आपको फॉलो करना ही होगा। तो आप ये वाले स्टेप को फॉलो करके देखिए, आप चाहे वन मंथ कर लो, आपको अब रिजल्ट लगता है कि अच्छा है तो आप डेली फॉलो करते रहिए, आपके स्किन में ग्लोइंग भी बनी रहेगी इससे, क्योंकि जब हम फेस योगा करते हैं ना तो हमारे फेस में एक अलग सी ब्राइटनिंग प्रोवाइड होती है। ये आप मॉर्निंग में कर सकते हो, नाइट में कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा नाइट में। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट करके जाइएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू हो तो, बगल में घंटी है उसे प्रेस करके जरूर जाना जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।